अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी है खजूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खजूरी बनाना। हमने लिया है एक कटोरी मैदा और एक कटोरी गेहूं का आटा। हम इसमें सूजी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। साथ में ये घी है 2 बड़े चम्मच और एक प्याली से कुछ कम शक्कर है। शक्कर को हमें पिघलाना है, तो ये एक पैन में हमने शक्कर डाल दी है। अब इसमें लगभग 1 कप पानी डालकर इसको तब तक पकाना जब तक कि शक्कर बस पिघल जाए। ये देखिए शक्कर पिघल चुकी है, अब इसे हमें ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। ये एक बड़े बाउल में हमने मैदा और आटा दोनों को लेकर मिक्स कर लेना है। इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें। अब ये शक्कर की चाशनी जो हमने बनाई थी, इसी से आटे को गूंद लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा हमें सख्त गूंदना है, तभी खस्ता बनेगी खजूरी। ये आटा हमने गूंद लिया है और अब इसे 5-6 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए, आटा हमारा सेट हो गया है। याद रखिए हमने बहुत ही हार्ड आटा गूंदा है। अब हम इसमें से एक छोटी लोई ले लेंगे। देखिए ये इस साइज की बना लेंगे छोटी सी। इसको थोड़ा सा ऐसा शेप दे के, ये हमने एक बास्केट ली हुई है, ये देखिए। अब इस लोई को इस बास्केट के ऊपर इस तरह 3 उंगलियों की मदद से इस तरह रोल करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये हमारा खजूर का शेप आ गया। मैं अभी आपको और बताती हूँ। अब इस डिज़ाइन के ऊपर इस तरह 3 उंगलियों की मदद से इसको रोल कर लेना इस तरह से। ये देखिए ये देखिए ये एक फोक लिया है मैंने। अब इस पर भी मैं एक डिज़ाइन आपको बनाकर बताती हूँ। ये देखिए इसको इस तरह से रखना है और ये 3 उंगलियों की मदद से इस तरह से इसको रोल कर लेना है। ये देखिए आ गई इसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइन। तो ये हमने सारी खजूरी बनाकर रख ली। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खजूरी डालकर फ्राई कर लेंगे। थोड़ा अच्छा कलर आ जाए इस पर तब हम इसे निकाल लेंगे। सारी खजूरी इसी तरह से तल लेना है। तो लीजिए, तो ये थी खजूरी। हमने सारी खजूरी बना। अगर आपको ये पसंद आए, आप किसी भी रफ सरफेस के ऊपर इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मेरे चैनल अलग अलग डिजाइन बन जाएंगी। थैंक यू।